फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सोचना है कि पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान मैं हूं और सबसे हैप्पी इंसान मैं, तो मैं हूं और मुझे देख के अगर पांच लोग खुश होते हैं तो मैं है, मैं है। क्या बात है, बैंकर्स को ही क्रेडिट कार्ड बेचना है बहुत मुश्किल टास्क है कोई सोचेगा भी नहीं वो उधर हाथ डालने के लिए तो वहां तो पे डॉक्टर्स को हर जगह पे बिजनेस होना जरूरी नहीं है मैं सोचता हूँ कि आप लर्न करने जाओ कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे आपको डायरेक्ट बिल्डर वन टू वन पहचानता है अगर आप जब क्लाइंट लेके जाओगे तो आपको वो सर्विस आपको एक अलग नजर से देखता है पर अगर कोई सेल में जा रहा है कि उसको सेल्स करना है तो सेल्स के लिए कुछ एक टिप बता पाएंगे कि, कि सेल्स में अभी क्या है कि हर एक के पास मार्केटिंग बजट नहीं right. है मेरा रीजन पूछने के पीछे कि हर जो कोई नया बंदा आ रहा है रियल एस्टेट में ठीक है दस हज़ार रुपये लेकर रहना तो निकल लेगा ये बाकी चीज़ें कर लेगा राइट ऑफ ऐसा है कि मैंने उनको कुछ चीज़ दिया और वापस ले लिया कि सर ये आपके लिए है पर आज दोगे तो ही आपके लिए तो सर ये नहीं दे सकते दैट इज फियर ऑफ लॉस कुछ खोने का वेलकम बुर्जिन भाई ये एक्चुअली आज हमारा ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें इतना एनर्जेटिक पर्सन आज हमारे सामने है आज पॉडकास्ट में वेलकम वेलकम टू आर पॉडकास्ट थैंक यू सो मच अभिजीत जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट एक्चुअली मुझे बहुत सारे सवाल है आज, आज आपसे कि इतने कम ड्यूरेशन का रियल स्टेट का सफर है पर इतना डायनेमिक सफर है इतनी एनर्जी है बंदे में कि आज आज मैं मैं पर्सनली नहीं, नहीं आज ये पॉडकास्ट भाई को बुलाना ही, बुलाना ही ही है है करना ही, करना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपसे जाननी है क्योंकि क्या है कि इतने कम ड्यूरेशन में इतनी अच्छी सक्सेस पाना ये रियल स्टेट में बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने ये अचीव किया है मुझे सिर्फ आपकी शुरुआत कहां से हुई ना ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन टू आई होव केम फ्राम गुजरात विथ जस्ट सेवेंटी टू रुपीज़ इन माई पॉकेट क्या बात है जैसे वो इक्कीस एटीट्यूड रहता है कि चलो कुछ करते हैं कुछ अपने आप को आजमाते हैं सो बींग अ पार्सी फैमिली मतलब पॉइंट वन परसेंट भी मार्केटिंग कोई करता नहीं हाँ। है जस्ट पर जितना मुझे नॉलेज है और पूना मेरे लिए हंड्रेड परसेंट न्यू था मैं कभी पूना आया नहीं था सो आई कम विथ माई फ्रेंड हम लोग आए यहाँ पर रहे एंड फिफ्टीन डेज़ के बाद ट्वेंटी वन दिसंबर टू थाउजेंड फोर को मैं एक मार्केटिंग कंपनी में मेरे को जॉब का इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया जाता है और मैं इंटरव्यू देता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब एक्साइटेड लोग हैं सब अपने टाइम पर आते हैं और वेरी मच चार्जअप एंड एवरीबडी इज़ लाइक अ रॉकिंग एटीट्यूड इन शॉर्ट तो मुझे अच्छा लगा मैंने बोला चलो यार मार्केटिंग कंपनी है अपने को सीखने मिलेगा और मैं कभी भी लर्निंग मैं बिलीव करता हूँ लर्निंग एटीट्यूड कभी नहीं रुकना चाहिए सही है सो so, मैं स्टार्टिंग किया धीरे धीरे उस टाइम दैट कंपनी इज डूइंग दे आर नंबर वन इन डायरेक्ट मार्केटिंग इन एशिया ओके सो मुझे उतना समझ में आया था कि मैं जितना अच्छा काम करूँगा उतना मेरा अच्छा ग्रोथ होगा सो आइडिया सिम कार्ड्स दे आर दे आर लाइक फॉर देट दे आर डूइंग द मार्केटिंग ओके सो स्लोली स्लोली वो कारोबार बढ़ता गया एंड एवरी डे एज पर आवर सिस्टम एंड इन दैट ऑफिस वी हैव टू मीट एवरी दर्टी टू फोर्टी पीपल्स रोज़ तीस पैंतीस लोगों नए लोगों को नए लोग को नॉट बिकॉज मेरे लिए तो और एरिया भी न्यू था मुझे पूना का कोई आइडिया नहीं था पर हमारे कुछ सीनियर्स ने आ, सिखाया था कि आप एक काम करो यहाँ से हाफ किलोमीटर वॉक करके कर जाओ और वहीं पे काम काज चालू कर दो धीरे धीरे आप एरिया जानने लोगों को और आज ऐसा हो गया कि मैं पूरा पूना जानता हूँ ओके okay. मैं स्वर्गेट से आता था निगड़ी काम करने के लिए एक टाइम ऐसा था और हम लोग को मार्केटिंग कंपनी था बट वेरी मच स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कि फाइव टू सिक्स सिक्स ओ क्लॉक के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना ही है आप कहीं पर भी, भी हो पूना में okay. तो अगेन वी गो हम रिपोर्ट करते थे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन अभी उस टाइम फोन्स नहीं थे इतना जस्ट न्यूली जस्ट स्टार्ट हुआ था तो अगेन हम लोग आते थे रात को रात को यहाँ से कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स लेके जाके रात को 12 बजे स्वर्गेट पहुंचते थे अच्छा सो so, ऐसे भी हमने कभी दो तीन महीना ऐसा निगड़ी स्वर्गेट निगड़ी स्वर्गेट रात को किया है सो आई नो दिस एरिया ऑल्सो बिकॉज ये ये तो अभी डेवलप हुआ हाँ हा। पहले निगड़ी को ज्यादा लोग uh, मतलब जानते थे पॉपुलर था अगे एम के सारे uh, जो भी डायरेक्टर्स लेवल पे लोग हैं वो शायद ज्यादातर निगड़ी में ही रहते थे उस टाइम सो स्लोली स्लोली एंड आई लाइ मुझे पूरा बहुत पसंद आने लगा बिकॉज मुझे ग्रोथ मिलने लगा hmm. और मुझे ये समझता कि मुझे जितना काम करूँगा उतना पैसा मिलेगा आई डोंट बिलीव इन सैलरी बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं लाख का काम करूँ मुझे लाख रुपए चाहिए और जिस दिन मैं नहीं करूँगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा बराबर सो ऑलवेज वी टू वर्क वर्क एंड वर्क ये 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 चीज जो ये बैकग्राउंड से आता है ना वो बंदे में स्पार्क रहता ही रहता है <laughs> तो उसमें वहां पे ये अभी रोज का टास्क था आपका तीस पैंतीस लोगों को मिलना right. तो ऐसा वो जो पूरा कारोबार चला वो कितने दिन तक चला ये मैंने करीबन साढ़े तीन से चार साल किया मतलब आई थिंक ऑल एन अराउंड आई होव मीट फिफ्टी प्लस पीपल इन पुणे ओके पचास हज़ार लोगों से वन 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 बात हुई वन 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 टू बात हुई उसमें से आ, मेरे पास जितने आस्ट जितना डाटा है माइट बी

आइडिया गिन लो वोडाफोन गिन लो एयरटेल गिन लो वो थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि जियो इज ऑफरिंग द फ्री कार्ड्स एंड एवरीथिंग जो उनका एक स्ट्रेटजी था काम करने का सो so, फिर आई थिंक कि भाई मुझे जो मेहनत करूंगा उतना मुझे अभी पैसा नहीं मिलेगा बराबर बिकॉज उस टाइम मेरा बिजनेस ही था मैं कभी जॉब तो किया नहीं तो so, फिर मैंने धीरे धीरे ये सोचा कि हम क्यों ना दूसरा कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर काम करें बिकॉज आई बिलीव इन दैट कि प्रोडक्ट डजेंट मैटर प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होता पर्सनैलिटी सेल होता है सही बात है और मेरे लिए प्रोडक्ट मैटर नहीं करता था बिकॉज मैं इतना मार्केटिंग कर चुका था इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया इतना कॉन्फिडेंस हो गया था जब बाईस साल का बच्चा अगर एक बच्चा ही बोल सकते हैं बिकॉज जस्टली न्यूली एक बाईस साल का यंग गाय फिफ्टी थाउजेंड उस टाइम पर कमा रहा है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग रहेगा बराबर और ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फाइव की अच्छा तो जस्ट मैं आया था और मैंने इतना सक्सेस मेरे को मिला मार्केटिंग करके तो प्रोडक्ट डजेंट मैटर फॉर अस मुझे मालूम था मैं टेनिस टू वन का रेशियो रहता है मैं काफी लोग से मिलते जाऊंगा तो टेनिस टू वन में एक रेशियो में मेरे एंड आई हैव टू फाइंड दैट किंग है हु, सही तो फिर वो रियल इस्टेट कहाँ पे आया रियल स्टेट जैसे मैं टेलीकॉम को ड्रॉप किया सिस्टर कंसल्ट बिजनेस था क्रेडिट कार्ड्स ओके तो मुझे लगा चलो इसमें मार्केटिंग ही करना है

और बहुत सारे ब्रांचेस है आई थिंक नॉट लेस देन फिफ्टी ब्रांचेस। एवरेज एक एक जैसे पूना और पिंपरी में पिंपरी चिंचौड़ में पीएमसी में हंड्रेड ब्रांचेस रहेगी इफ आई एम नॉट तो इ, इतनी सारी ब्रांचेस को मैंने कवर किया और उनके पास जाके उनके स्टाफ बिजी रहते थे पर उसी टाइम थोड़ा सा निकाल के कटर से बात करके

कि अगर मुझे इसका ग्राफ तोड़ना है मुझे मेरा रिकॉर्ड बनाना है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बहुत हार्ड है एंड आई बिलीव इन दैट मुझे हार्ड चीज़ दीजिए मैं मेरा एक्सपर्टीज डाल के उसको ईजी कर दूंगा स्लो कर दूंगा कि जो हर्डल्स नहीं आए तो मैंने वहीं पे क्रेडिट कार्ड सेल चालू किया तो मुझे समझ में आया कि इनका सिबिल भी अच्छा है डॉक्यूमेंट्स वहीं मिल जाएंगे और सारा चीज़ क्लियर है क्या बात है तो मार्केटिंग का तो एक्चुअली <laughs> ये ये फंडा ज़्यादातर तो लोग यूज़ नहीं करते फिर फिर इसमें से कौन ऐसा बंदा मिला जहाँ से फिर रियल इस्टेट स्टार्ट हुआ फिर एक दिन जस्ट मैं आई एम गोइंग टू बैक टू माई होम तो मैंने सोचा कि यार चलो अभी क्रेडिट uh, कार्ड्स भी बहुत सेल हो गया बहुत सीख लिया क्यों ना हम कुछ बिकॉज अगर हम मार्केटिंग में मिट्टी बेच रहे हैं तो मिट्टी जितना पैसा मिलेगा सोना बेच रहे हैं सोना जितना क्यों ना हीरा बेचे सो so मुझे समझ में आया कि रियल एस्टेट द स्काई इज द लिमिट आप जितना काम करोगे अच्छा काम करोगे तो विद इन अ स्पैन टाइम यू कैन डू वंडर्स राइट काम किया तो सो so, धीरे धीरे फिर रियल एस्टेट में, में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट सॉलिटर का जो ट्रेड मार्केट है नहीं, नहीं। उस पर मैं जाके बहुत सारी चीज़ें समझा कि मुझे कैसा करना है और मेरे लिए नया था मार्केट भी नया था प्रोडक्ट भी नया था तो फिर मुझे ये समझ में आया कि इनके लिए ट्रेड मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है और मैं उसी टाइम पे वहाँ पे था ओके जस्ट स्टार्ट हुआ था परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह परफेक्ट टाइम और आई बिलीव इन करमा इफ यू डू डू गुड थिंग्स फ्रॉम फॉर अदर्स ऑब्वियसली दैट बॉल जैसे हम दीवार में मारते बॉल वापस रिटर्न आता है अच्छा काम करते हैं अच्छा रिजल्ट आता है सही है तो धीरे तो, धीरे फिर मार्केट यार्ड मुझे समझ में आया कि अगर यहाँ के सारे गुजराती मारवाड़ीज है और बींग अ पारसी के हम लोग भी हमारे घर में गुजराती ही बोलते हैं ओके सो वैसे धीरे धीरे

आप बोल सकते हो कि रात एक एक बजे तक हमने दो दो बजे तक काम किया है क्या बात है? या, तो, तो, तो पर्टिकुलरली हर एक हर एक जो शॉप ओनर है मार्केट यार्ड का उसको जाके मिलते वक्त ऐसा कुछ हेजिस्ट्रेट नहीं हुआ क्या अरे क्या कर रहे हैं किसको मिल रहे कौन ऐसा कुछ सवाल नहीं आया क्यों आए क्या आए क्या ये चीज ये आइस वॉल जो रहता है क्लाइंट हाँ। और हमारे बीच में ये तो मैं आइडिया में पहले ही सीख चुका था ना हाँ वो वो जानना है मुझे कि वो क्या है कि जहाँ पे आज बाकी जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हमारे जो व्यूअर्स है उनको वो एक एक बंदा शायद रहता है कि अरे नहीं मैं कैसे जाके अप्रोच करूँ सामने वाला क्या बोलेगा है? आज भी जितना मेरा स्टडी है जितने चैनल पार्टनर को ब्रोकर नहीं बोलता हूँ मैं चैनल पार्टनर बोलता हूँ चैनल पार्टनर्स को जितना मैं जानता हूँ वो लोग डायरेक्ट क्लाइंट से शायद नहीं मिल रहे नए है। हाँ, हाँ. No, उनका पुराना डाटा है working, लेते हैं, working, पर अगर आप क्लाइंट को नए क्लाइंट को मिल रहे तो की टी में क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं 500 को जानता हूं, तो वो खाली ट्रेंड मार्केट के लिए नहीं है वो फाइव हंड्रेड क्लाइंट्स मेरी किटी में है तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट को उनको प्रेजेंट कर सकता हूँ okay. पर उस वक्त जब अपन हर एक शॉप पे जा रहे थे तो पहले से पहचान थी वो शॉप नो नो नथिंग But अच्छा देर देर ऑल न्यूज डायरेक्टली डोर लॉक करके बन जाते जा डायरेक्ट बिकॉज मार्केट यार्ड तो सुबह खुल जाता है हाँ। तो मुझे मालूम है कि उनके कस्टमर्स चलते रहेंगे बिकॉज वो होलसेल मार्केट है बराबर है और मुझे मेरे चीजें बतानी है महाट्रेड मार्केट के बारे में कुछ लोगों ने बोला कि मार्केट नहीं बनेगा ऐसा कैसे हो सकता है हम लोग इतने सालों से है हमको यहाँ से कौन हिलाएगा सर आपको यहाँ पे हिलाना या आपका मार्केट बंद करने नहीं आए ये आपका एक होलसेल मार्केट है एज इट इज रहेगा हाउ यू एक्सप्लेन द थिंग्स दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि सर एज इट इज रहेगा ये, ये जस्ट एक ट्रेडर्स मार्केट है जहाँ पे एक टेन बाई टेन का शॉप या जो भी mm -hmm. उनकी साइज फाइव सेवेंटी फोर या फाइव थर्टी फोर मिनिमम साइज था फिर डिफरेंट डिफरेंट साइज थे सो वैसे सर आप एक ट्रेडिंग हब बन रहा है जैसे चाइना में मार्केट है वैसा तो उन्होंने लगा चलो कुछ लोगों ने सुना कुछ लोगों ने नहीं सुना बिकॉज उस टाइम चालू नहीं हुआ था अभी mm -hmm. जस्ट थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो गया है टेन थर्टीन थर्टी फोर्टी परसेंट बन चुका है तो पीपल अभी पॉजिटिव हो रहा है एटमोस्फियर और टू थाउजेंड शॉप आर गोइंग टू डिलीवर वेरी तो उसका सक्सेस रेशो क्या था अपन इतने पाँच सौ लोगों में जाके मिल के लोगों को टैक किया मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने साढ़े चार सौ पाँच सौ टैक तो कर दिया टिम्बर मार्केट भी टैग किया मार्केट यार्ड भी टैग किया मार्केट मार्केट का का जो पेट का दूसरा मार्केट है वो वो भी मैंने भी मैंने किया।, वाले 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 किया फिर मुझे ये समझ अभी करने के बाद कोरोना कोरोना आ गया अच्छा वक्त अगर ये कोरोना एक एक मान के चले कोरोना ही आता था तो ये में से बिकॉज ये सारे बहुत क्रीम क्लाइंट्स थे जैसे ड्राई फ्रूट्स के कुछ ओनर्स होलसेल मार्केट कुछ स्पाइसेस uh, के लिए है तो ये जितने भी थे उसमें से मेरा सेवेंटी एटी क्लाइंट्स इजीली हो जाता था ओके बिकॉज दे आर रेडी टू कम एंड विजिट द प्रोजेक्ट बट कोरोना के बाद व्हेन वी कॉल देम कि सर मैं मेरा बिजनेस संभालू अभी मेरे ही बिजनेस में पूरा डाउनफॉल आया बिकॉज ड्रास्टिकली सारे बिजनेस को इफेक्ट आया था बट तभी मैंने फोर्टीन फोर्टीन क्लोज किया था क्या बात है 14 मैंने क्लोज किया था डिसेंट है ना एक्चुअली मार्केटिंग जो है वो आई कॉस्ट कॉस्ट वेरी मार्केटिंग नहीं है right. जो भी है वन ऑन वन जाके डिस्कस करके उधर मेहनत लगी है नो वो बात नहीं है कि मेहनत नहीं लगी पर बाकी के लोगों ने क्या किया कि जो भी है डिजिटल इधर उधर बहुत ज्यादा स्पेंड किया इसमें मुझे बहुत सारे बाकी चैनल पार्टनर्स ने भी थोड़ा सपोर्ट किया ओके okay. जैसे आ, दवल बदानी है जेम्स पॉल है तो बहुत ये सारे एक्सपीरियंस थे एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस <laughs> और अच्छा फ्रेंडशिप हो गया तो दे उन्होंने मुझे बताना कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए तो यू विल यू विल डू गुड फिर उनके साथ भी मैंने काम किया

और मैं काफी अटेंड किए जैसे बिल्डर्स के आ, कुछ भी इवेंट होना है या एजुकेशन स्लो एजुकेशन कुछ लर्निंग है तो आई ऑलवेज गो और कुछ नई इस चीज़ें सीखने मिल जाती है सही बात है मुझे पहली डील का कुछ याद है आपको पहली डील के बारे में जानना है कि पहली, कि पहली डील, डील, डील कौन सी थी जहाँ पे क्रैक हुई वो पहली, पहली डील।, डील, डील ऐसी थी कि मैं ये महाट्रेड मार्केट और दो तीन प्रोजेक्ट तो कर ही रहा था तो मीन मुझे एक मेरे आइडिया के पुराने क्लाइंट का फोन आ गया तो मुझे बोला कि क्या यस फ्रेंडशिप हो जाता है इज़ वेरी लाइक इज सिक्सटी प्लस ओके okay, सीनियर है वो सीनियर सीनियर तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो बेटा मैंने बोला सर अभी तो रियल एस्टेट में कर रहा हूँ टेलीकॉम को आपको मालूम है कि ऑलरेडी जियो आने के बाद थोड़ा डाउनफॉल आ गया बोला ठीक है चल तू तो रियल एस्टेट कर रहा है मुझे एक प्लॉट ढूंढ के दे मैंने बोला सामने से अपॉर्चुनिटी आई है <laughs> और मैं प्लॉट कभी किया नहीं था तो मैंने बोला सर कहाँ पर चाहिए तो उन्होंने बोला मुझे लोनावला में या पंचगिनी में भी चलेगा माथेरान में भी चलेगा मैं सर लुनावला में आपको मैं ट्राई करता हूँ कितना स्क्वायर फीट आपको चाहिए तो उन्होंने बोला मेरे को टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट मिनिमम लगेगा मैं बोला ठीक है सर आप मुझे एक टू टू थ्री डेज दीजिए आगे मैं खुद जाके पहले स्टडी करके एरिया वाइज़ समझ के आपको मैं रिप्लाई करता हूँ तो उनको मालूम था कि ये आ, सर्विस अच्छा पहले भी आइडिया का उन, उन मुझसे एक्सपीरियंस थे तो मैं वहाँ गया नेक्स्ट डे एंड यू विल नॉट बिलीव ऐसा होता है ना कि कभी कभार कुछ अच्छी चीज़ें हो, होती है जस्ट हमको खाली स्टेप आउट करना रहता मैं गया टू थ्री लोगों से मिला होगा एंड वहां पे मुझे क्लिक हो गया कि एक प्लॉट था जो उनके टेस्ट का था ओके एक्चुअली हम टेस्ट डिलीवर ये रियल एस्टेट इज अ टेस्ट डिलीवर थिंग मुझे जो चाहिए अगर आपने दिया तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगा आगे लेने के लिए तो उस हाब से उनको प्लॉट मैं फोटोज वगैरह वीडियो लिया डॉक्यूमेंटेशन जितना मुझे मिला उतना लिया और मैंने उनको फॉरवर्ड किया नेक्स्ट डे तो उन्होंने बोला कि ठीक है आई विल कम एंड विजिट द बिकॉज बाकी लैंड भी वो देख रहे थे तो चलो देख लेते हैं तो उनको उसी टाइम पे वो लैंड पसंद आ गया पसंद आ गया तो विद इन वन वीक में उन्होंने एग्रीमेंट किया क्या बात है तो एग्रीमेंट किया तो मुझे मुझे मालूम मेरा ब्रोकरेज तो एकदम सेफ है, है बिकॉज मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे पास से कितना ब्रोकरेज लेगा मैंने बोला सर आपसे ऐसा कोई ब्रोकरेज का बात नहीं है बिकॉज आप फिफ्टीन ईयर से हमारा रिलेशन है आप जो दोगे सर मैं ले लूँगा मेरा फर्स्ट डील है मैंने ये भी बोला बोला नहीं तेरा फर्स्ट डील है तो आई विल गिव यू मोर देन दिस मेरे को नहीं सर ऐसा नहीं जो है वही दीजिए तो उन्होंने बोला कि ठीक है टू परसेंट हो रहा है आई विल पे यू थ्री परसेंट क्या बात है उन्होंने <laughs> <laughs> बोला अभी गर, अभी लक्ष्मी आ रही तो बट आफ्टर ऑल उनको जो भी एग्रीमेंट करना था बाकी डॉक्यूमेंटेशन था फिर बाकी वहाँ जाके उन्होंने जो फार्म हाउस बनाने का स्टार्ट किया मैंने मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरा हंड्रेड परसेंट दो क्लाइंट के साथ देखो हर एक को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते बट जितना हमारा काम है उसको तो हम हंड्रेड परसेंट कर सकते हैं

वो तो कैसा यूज करना चाहिए इंट्रोडक्शन जैसे हम मिलते हैं तो एंड चेक हो हो गया हाँ, अभी, आई तो आई हो गया अभी अभी टू मैं आपको चेक कर रहा हूँ देख रहा हूं हाँ, तो एक्चुअली वो क्लाइंट क्लिक ही नहीं होगा आपसे बात नहीं करेगा आइस वॉल नहीं ब्रेक होगा जस्ट जैसे शॉर्ट स्टोरी हो गया तो दैट इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल मैं शॉर्ट स्टोरी बोल रहा हूँ पर मैंने बहुत लंबा तो क्लाइंट बिकॉज वो टेलीकॉम का सिस्टम हम इसमें यूज इसलिए कर रहे थे कि क्लाइंट पांच मिनट ही देगा पर रियल एस्टेट ऐसा नहीं है पर तब भी ये सिस्टम यूटिलाइज होता है बिकॉज ये मार्केटिंग का सिस्टम है तो हम मार्केट कर रहे हैं इन शॉर्ट कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट करना पड़ेगा तो धीरे धीरे ये सिस्टम यूटिलाइज होता है जैसे फाइव स्टेप प्रेजेंटेशन मैंने बताया इंट्रोडक्शन शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंटेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड प्राइस कि सर ये मार्केट में ये प्राइस है पर ये इतना अच्छा टाउनशिप बन रहा है और ये प्राइस में जो इंडिविजुअल स्टैंड ओनली बिल्डिंग है वही रेट में हमको यहाँ पर टाउनशिप में मिल रहा है तो दैट वी कैन कम्पेयर प्लस क्लोज के सर ये प्राइस है पर ये प्राइस में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं और आज इतना ही बुकिंग देना है अच्छा। और कि क्लाइंट बहुत पॉजिटिव हो और वो हंड्रेड परसेंट भी पेमेंट कर देता है क्या बात है तो ये डे टू डे में इस्तेमाल ब्लड तो में चला गया इतना यूज किया है मैंने तो मेरे नेचर में आ गया है और एक टेलीकॉम एक बहुत अच्छी चीज यूज होती है फोर स्टेप ट टोट इनडिफरेंट जैसे हमने उनका डॉक्यूमेंट नहीं सर ये डॉक्यूमेंट पे नहीं होगा इनडिफरेंट उसको मेरे डॉक्यूमेंट पे भी नहीं होगा आगे हर चीज अब हाँ बोलते देट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम ओके कुछ चीज़ आपको नहीं जो सर, नहीं लग रहा है क्लियर तो नहीं है सॉफ्ट दैट इन डिफरेंटेड टू फीवर ऑफ लॉस फीवर ऑफ लॉस ऐसा है कि मैंने उनको कुछ चीज दिया और वापस ले लिया कि सर ये आपके लिए है पर आज दोगे तो ही आपके लिए नहीं तो सर ये नहीं दे सकते दैट इज फियर ऑफ लॉस कुछ खोने का डर और सेंस ऑफ एजेंसी जैसे हम लोग सीट पर बैठते हैं तो रिलैक्स होकर हम नहीं बैठते थे हम लोग एज पे बैठते थे तो उसको ये मालूम होना चाहिए कभी भी चला जाएगा ये तो एक सेंस ऑफ एजेंसी है एंड ग्रिड फैक्टर जैसे मैं बोलूँगा कि अभिजीत जी ने लिया है सुरेश सर ने लिया है रमेश सर ने जो भी वो क्लाइंट्स उस टाइम पे उस एरिया में बने थे तो उनको लगता है कि इन्होंने लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा तो चलो ठीक है गो गोइड मैं भी लेता हूँ ग्रेट फैक्टर क्या बात है क्या बात है ये 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 जो चीज़ें है ना ये एक्चुअली पूरी तरह से मार्केटिंग वाला आदमी <laughs> है ना ये पूरा घोल के पिया होता है तभी वो अच्छी तरह से मार्केट कर पाता है और अभी इधर तक आए तो एक थोड़ा सा सक्सेस के लिए भी कुछ बताइए हमारे जो नए ब्रोकर है ठीक है एक्चुअली क्या है बुरजिन भाई आपकी एनर्जी है ना ये ये खतरनाक है और और ये एनर्जी है ना ये नॉर्मली नए लोग जो मार्केटिंग या फिर सेल्स में आते हैं ना उनके पास ये नहीं रहता इसके लिए एक एक्सपीरियंस ही लगता है और जो एक्चुअली डोर टू डोर नॉकिंग करके कस्टमर से फिजिकली हमेशा जाके मिल के फोन पे नहीं फोन पे तो हर एक बंदा सौ कॉल भी कर जाएगा ठीक right. है पर उसका उसको

कि यार आज मैं एक्साइटेड नहीं हूँ तो मैं अभिजीत सर से बात करके उनको कैसे एक्साइटेड करूँ तो मुझे पहले एक्साइट होना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव होना पड़ेगा तब मैं उनको पॉजिटिव और एक्साइटेड कर सकता हूँ जैसे हैव ग्रेट एटीट्यूड बी ऑन टाइम मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ बहुत एक्सपर्ट हूँ बट मैं टाइम पे नहीं हूँ तो इफ यू आर नॉट अर्ली इज अ पंच लाइन बी ऑन टाइम इफ़ यू आर नॉट अर्ली यू आर लेट क्यू टाइम फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स यस तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर आप बैलेंस रख करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा मैं उस टाइम पे आज से पंद्रह साल पहले ये कॉन्फिडेंस में बात करता था कि आप मेरे को कर्फ्यू में छोड़ दीजिए तब भी मैं सेल करूँगा सब लोग घर पे है ना तो मैं वहां घर पे जाकर सेल करूंगा निगेटिव हम लेते हैं मार्केट बहुत पॉजिटिव है बाकी लोग सेल कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते बराबर है हम सोचते रहेंगे हम नहीं कर पा रहे वो हमारा प्रॉब्लम है अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा पहले लेट आएगा पर आएगा जरूर जैसे मैंने आपको टू स्टेप बताया ग्रेड एटीट्यूड बी ऑन टाइम बी प्रिपेड आपको प्रिपेर्ड रहना है अगर मैं प्रीपेड नहीं है मेरे पास सारी चीज़ें पर कहीं पे मैस पड़ी हुई है जैसे आपका ऑफिस इतना प्रिपेयर है आपको आना है बिकॉज मुझे उससे आदमी का अंदाजा आ जाता है कि हाँ ईज टिप टॉप परफेक्ट कि उनको मालूम है मुझे क्या चाहिए अगर आप ही टिप टॉप नहीं हो और आप मुझे बताओगे ये करना है होगा तो मैं कैसे आपकी बात को मान लूँ सही बात है तो जो चीज़ हम बता रहे हैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होने चाहिए पहले जैसे हैव ग्रेड एटीट्यूड बी ऑन टाइम बी प्रीपेर्ड वर्क फोर लेट अवर्स मैं जैसे आपको बताया एक एक, एक, एक स्टेप्स है अगर मैं पॉजिटिव भी हूँ मैं टाइम पर भी आता हूँ मैं प्रीपेड भी हूँ बट मैं आठ घंटा काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे जो रिजल्ट आएगा ना वो ऐसा ही आएगा कभी आ गया कभी नहीं आया रेगुलर नहीं आएगा नहीं आएगा ना बिकॉज आप सिस्टम रेगुलरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो सही बात है तो हैव ग्रेट एटीट्यूड टाइम हैीपेर्ड वर्क फॉर लेटर्स वर्क द टेरिटरी करेंटली एंड कंप्लीटली अभी मुझे मालूम है जैसे महाट्रेड मार्केट का जो प्रोजेक्ट है अगर मार्केट यार्ड में खाली अगर साढ़े पाँच सौ शॉप नहीं मिलता था या पाँच सौ शॉप नहीं मिलता था और खाली पाँच दस शॉप आप मिलकर चला जाता था तो मुझे मालूम है जो सेवन्थ माँ या सिक्स माँ किंग कस्टमर है वो तो मैंने छोड़ दिया तो कोई और आएगा और वो किंग कस्टमर को उठा लेगा सो so, मुझे मेरा टेर पूरा कंप्लीट कवर करना है और हैविट्यूड बी ऑन टाइम बी प्रिपेयर्ड वर्क फॉर इट अवर्स वर्क टू टेरेटली करेंटली एंड कम्प्लीटली प्रोटेक्टिव एटीट्यूड मुझे क्लाइंट कुछ भी बोलेगा पर मुझे ये मालूम है कि मैं नेगेटिव्स को यहाँ ही स्टॉप हो जाता है मैं नेगेटिव्स को मेरे अंदर लेता ही नहीं हूँ अगर मैं ले लूँगा तो मैं जो नेक्स्ट कस्टमर के पास जाना चाहूंगा मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा तो एक मेरा समझो आज मेरा थर्टी फाइव या फोर्टी जो भी लोग काम कर रहे हैं कुछ यंग कमर बहुत यंग है ट्वेंटी फाइव के एज के भी कुछ रियल एस्टेट में मैंने मैंने देखे हैं एग्जाम देने के टाइम में रियल तो इतने यंग बच्चों को अगर नेगेटिव्स लग जाएगा तो हो सकता है कि वो रियल एस्टेट छोड़ दे पर वो अगर पॉजिटिव सोच के वो वंडर्स कर सकता था तो नेगेटिव नहीं लेना है कोई भी चीज़ आप कर रहे हो नगेटिवस लोगे तो और वो अपना एटीट्यूड कैसे हिला सकता है वो हमको जानता नहीं है

या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करे न्यू कमर हो एंड लास्ट इज टेक कंट्रोल हर चीज़ हो गया अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो मैं कहीं टेबल पे टेबल पे नहीं चढ़ जाऊँ क्लाइंट के वहाँ तो ये वो एक्साइटमेंट को भी मुझे कंट्रोल कर टेक कंट्रोल होता है तो ये सिस्टम का पंच है अगर पंच सही गिरेगा तो क्लाइंट कभी भी आपको नहीं बोलता है क्या बात है क्या बात है एक्चुअली मैंने ये इंडस्ट्री uh, में इतने साल गुजरने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि बोलते मेरा नसीब नहीं है मेरा लक uh, अच्छा नहीं है मेरा टाइमिंग खराब है मेरे इसमें तो ये नहीं है मैं रिलेटेड कर ही नहीं सकता पर उन्होंने एक्चुअली ये आज आपने जो रूल्स बताए ना ये अगर उन्होंने फॉलो किए ना तो इसमें ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है यू जस्ट फॉलो द लाइन एंड यू विल अचीव द सक्सेस हंड्रेड एंड ये सिस्टम को जो यूटिलाइज करता है एटलीस्ट जो बिजनेस वो समझो एक एक पार्ट तक किया है उससे अप ही होगा डाउन नहीं होगा बिकॉज वो मार्केटिंग और बिजनेस के लिए सिस्टम बना है नहीं ये बात तो एकदम सही है मुझे एक्चुअली ये जानना है बुरजीन भाई कि मोटिवेट रहने के लिए डे टू डे क्या एक्टिविटी है कि भाई इतना मोटिवेट रहते आप <laughs> देखिए इधर सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए बंदा प्लस मेरा ये सोच है पहले से बिकॉज ऑफ मार्केटिंग मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिली जैसे नेगेटिव्स हो गया या पॉजिटिव्स हो गया अभी वो हर बिजनेस का पार्ट है राइट right? अभी मोटिवेशन मैं कैसे मोटिवेट होता हूँ कि अगर मैं ही मोटिवेट नहीं हूँ तो मैं क्लाइंट कैसे मोटिवेट करूँगा मैं ही एक्साइटेड नहीं हूँ तो मैं उसको कैसे एक्साइटेड एक्साइटमेंट क्रिएट करूंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सोचना है कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान मैं हूँ और सबसे हैप्पी इंसान मैं हूँ तो ऑब्वियसली मैं मोटिवेट रहूँगा ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड रहूँगा और मुझे देख के अगर पाँच लोग खुश होते तो मैं मोटिवेट है मैं एक्साइटेड है अगर मैं अगर किसी को स्माइल दे सकता हूँ तो आई एम इन राइट पाथ क्या बात है और और एक चीज इससे रिलेटेड कि बहुत बार हमारे रियल एस्टेट के सेक्टर में रिजेक्शन नाइनटीन 90, अगर हंड्रेड है तो उसमें के डील्स में रिजेक्शन आता है।, है तो उसको कैसा कंट्रोल किया जाए या आप क्या फॉर्मूला यूज करते रिजेक्शन आने के बाद में वो जो एक बिलीव सिस्टम रहती है वहां पर थोड़ी डगमगा जाती है right. राइट तो उधर क्या सीन होता है देखिए रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस फिर कोई भी कोई भी बिजनेस हो बड़े से बड़े बिजनेस को भी रिजेक्शन आता है मैं ये बोलता हूं कि इफ यू थिंक फॉर ए मून यू लैंड अपार्स जैसे लहरों को चीर के तो नहीं है जो तो शायद एक बोलते हैं किसी पिक्चर में मैंने सुना है कि असली इंसान वो होता है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ता है हा, हा, हा। तो मैं वो बिलीव करता हूँ कि अगर आपने नेगेटिव्स फेस करके पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है रिजेक्शन आने के बाद भी अभिजीत जी स्माइल दे रहे तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं अगर वो क्लाइंट नहीं ले पा रहा है या चेक देने के बाद रिजेक्शन किया या उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई आए या, या फैमिली ना बोल रहे हैं मेम्बर्स ना बोल रहे तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है और वो क्लाइंट है मेरा वो ना भी बोल सकता है हाँ भी बोल सकता है हर क्लाइंट अपने से लेने वाला नहीं है राइट तो मैं ये उनको बहुत स्माइल से दरवाजे तक छोड़ूंगा उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं लेने वाला था पर मैंने कोई रीजन से नहीं लिया तो बुरजिन का एटीट्यूड चेंज हो गया बुरजिन का बिहेवियर चेंज हो गया नहीं मेरा आप मुझे कितना ही बिजनेस दोगे तो भी मेरा वो एटीट्यूड आपके साथ वही रहेगा और नहीं दोगे सर तो भी वही रहेगा क्या बात है सही बात यही ये, ये ये सही सेल्समैन की पाउती बोलते हैं ना ये जो है कि कि रिसीव कॉपी है ये कि पक्का पक्का सेल्समैन है जो नए रियल एस्टेट ब्रोकर्स आज मार्केट में आ रहे तो उनके लिए कुछ एक स्पेशल टिप कि कहाँ से शुरू करें और कैसा बिलीव सिस्टम रखे रियल इस्टेट में देखिए बिलीव सिस्टम इज वेरी सिंपल इफ आई जैसे मैंने स्टार्ट किया था मैंने रेंटल बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं थोड़ा सा मार्केटिंग जैसे पहले कर चुका था तो मुझे आइस वॉल तुरंत ब्रेक हो जाता है अगे आई एम वेरी टॉकेटिव पहले से वो मार्केटिंग का हैबिचुअल है तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप न्यूली रियल रे, एस्टेट में आना चाहते हो या आ चुके हो पर थोड़ा सा आपको फियर है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ सबको रहता है अपने नए बिजनेस में तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप कहीं पे भी जहाँ कैंपस है बड़े बड़े जैसे भारतीय विद्यापीठ है या आपके घर के आसपास रहेगा वहां पे आप जाओ जो अच्छे कैफेज है जहाँ पे काफी भीड़ आती है न्यू कमर्स आते हैं जो आउट ऑफ पुणे से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए बिकॉज एजुकेशन uh, का हब है पुणे राइट सो और यहाँ पे कुछ लोग पढ़ के यहाँ पे सेटल हो जाते हैं मैक्सिमम लोग यहीं पे सेटल हो जाते हैं जैसे मैं मैं तो नहीं पढ़ा हूँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने वो कैफ़े के ओनर के साथ रिलेशन बना लिया या कोई शॉप के साथ ऐसे आठ दस शॉप के रिलेशन बना लिया आपने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया उतना आपका शाई भी जाएगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा हो सकता है कि वो जो डेली वहाँ पे आ रहा है कैफ़े में आ रहा है या कोई शॉप में आ रहा है या मेडिकल मेडिकल शॉप में आ रहा है तो हो सकता है कि आपने उस ओनर को बोल दिया कि सर मैं न्यूली स्टार्ट किया है और आपका अगर सच्चाई से बात कर रहे हैं ना सामने वाला समझता है वो आँखें पड़ता है उसको समझ में आता है कि ये ट्रू बात कर रहा है ये थोड़ा घुमा के बात कर रहा है इसके साथ मेरे को रिलेशन नहीं रखना है नहीं, नहीं, नहीं। तो आपका विजिटिंग कार्ड आप दोगे आप बोलोगे कि सर मैं न्यूली स्टार्ट किया है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए आपके पास जो लोग आते हैं और सर मैं उसमें आपका बेनिफिट भी करूँगा कि अगर मुझे टेन रुपीज़ मिलेगा तो सर मैं आपको रेफरल बोनस दूंगा जो हम देते हैं खुशी से उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है मुझे आप सपोर्ट कर रहे हो तो मैं उनको विजिटिंग कार्ड दे दूंगा और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग वहाँ जाते हो उनको शॉपकीपर से बात करते हो कि हमको यहाँ पे फ्लैट चाहिए रेंट पे हाँ हा। या हमको ऐसा कुछ शॉप चाहिए बिजनेस ग्रो करने वाले भी रहेंगे कुछ गुजराती मारवाड़ी फैमिली जो बाहर से आते हैं वो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम में शॉप भी चलाते हैं कैफे भी चलाते हाँ हा, हैं मैंने, मैंने देखे हुई बात है में तो ऐसे धीरे 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 आप अपना एक कारवा बना सकते हो और आपका शाइनेस चला जाएगा पाँच दस पंद्रह बीस पचास लोग जब आपको फोन करेंगे तो आपको पिचिंग सेट होगा कि क्या बोलना है क्या बिकॉज कस्टमर ही यहाँ पर आपको सब सिखा सकते हैं आपको सिखाएगा क्लाइंट ही सिखाएगा तो आपको क्लाइंट के साथ डेली इंटरेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा आप फियर रखोगे कि मैं कैसे बात करूं तो वो तो आपको स्टेप तो आपको भरना पड़ेगा आगे आपको अगर मंजिल तक जाना है तो फर्स्ट टाइम हमको ही भरना है क्या बात है ये तो ये तो रेंटल का हो गया। right. पर अगर कोई सेल सेल्स के लिए कुछ एक बता पाएंगे बिगिनिंग कि, करना कि है सेल्स के, right. के लिए right. तो उसने अभिजीत जी बताया उसमें एक एडिशन करूंगा रेंटल बिजनेस मैंने स्टार्ट किया मानो मैं मंथ में टू थ्री रेंटल डील्स क्लोज करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा प्लस बाद में फिर स्लोली जो मेरे कुछ फ्रेंड्स रहेंगे बैंक में जॉब कर रहे होंगे या मैं बैंक के साथ कुछ बंदों के साथ रिलेशन डेवलप करूंगा और उनको बोलूंगा कि सर आपके पास अगर कुछ क्लाइंट्स लोन के लिए आते हैं तो आप मुझे फॉरवर्ड करिए जिसमें आपका ही बेनिफिट रहेगा और वी विल हैंड टू हैंड वी विल डू द बिजनेस तो जब सामने वाले को कुछ बेनिफिट हो रहा है और वो अपनी मेहनत से अपने अपने को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली डील्स होंगे होंगे तो जिसको घर चाहिए था उनको हम पांच घर दिखा सकते हैं तो उसको भी हम अच्छा सर्विस दे रहे वो पांच लोग को पांच घर देने के बाद आपको ही नहीं मालूम कि उन्होंने पांच पांच रेफरेंस आपको दे दिए सही बात है क्योंकि हर एक, हर एक एक नया क्लाइंट जो घर खरीदने वाला सबसे पहले बैंकर्स को ही कांटेक्ट करता है कि भाई मेरा सिबिल अच्छा है क्या मेरे को कितना लोन मिलेगा क्या मिलेगा तो वही राइट पर्सन है कि जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं ये सही बात बोली आपने और एक एक्चुअली मेरे को क्यूरिसिटी है अभी मैंने ऐसे भी पुराने लोग देखे है कि जो रियल स्टेट में अभी जिनको दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल हो गए उन्होंने एक फोटो बनाया कि मैं रेंटल में हूँ मैं रीसेल में हूँ अब नए वर्टिकल्स आए नए वर्टिकल्स यानी अभी मैंडेट है या फिर right. बाद में आपके न्यू सेल है right. प्राइमरी सेल है वो लोग कोशिश करना चाहते हैं पर वो ऐसा दिखाते कि नहीं मुझे नहीं पॉसिबल है तो वो जो एक आ, एक सिचुएशन है कि जो सिचुएशन में से वो खुद को निकाल ही नहीं पा रहे तो ऐसे वो शेल से बाहर हाँ, नहीं, नहीं जा पा रहे तो वो केस में कुछ सजेशन उनके लिए मैं अभिजी जी ये सोचता हूँ अगर आप कोई दस चीज़ें जानते हो पर आप एक ही यूटिलाइज कर रहे हैं तो नौ जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें तो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा सक्सेस नहीं मिलेगा तो मैं ये सोचता हूँ कि आपने कुछ अगर समझो कुछ एक्स पॉइंट पे लेवल पे आपने अचीव कर लिया है पर आपकी एक्सपर्टीज बहुत है आप वंडर्स कर सकते हो तो आप अपने आप को स्टॉप करोगे तो आपका ग्रोथ तो आप खुद ही स्टॉप कर रहे हो तो मैं ये सोचता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि यार मैं आज अच्छा काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसमें और एक्सपर्टीज डाल के और बेटर करूँ जो मेरे लाइफ के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट हो तो लेजीनेस आती है पर वो सेकंड्स में जली जानी चाहिए सही बात है एक दिन मिलता है हमको संडे आप फ्रिक आउट कर सकते हो ट्रैकिंग कर सकते हो मैं एवरीडे बैडमिंटन एक घंटा खेलता हूँ तो है? मेरे माइंड को फ्रेशअप रखता है और हेल्थ भी अच्छा रखता है प्लस मैं ट्रैकिंग करता हूँ तो अगर आप अपने खुद के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं करते ये प्रॉब्लम कब आता है लेजीनेस तब आता है जब आप अपने माइंड को लेजी बनाने का सोच लिया है बहुत लोग ने तो कितने बड़े बड़े जैसे कैंसर जैसे बड़े बड़ी आ, क्या बोलते हैं डिजीज को भी ओवरकम कर लिया अगर वो माइंड मेंटली बहुत स्ट्रांग है अभी मैं लेह लद्दाख जाता हूँ बहुत फिट लोग आते हैं पर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते तो ऊपर एक हाइट पे जाने के बाद दे फेस द प्रॉब्लम तो हम लोग उनको नीचे से ही बोलते हैं बिकॉज मैं काफ़ी बार गया हूँ तो महाराष्ट्र से कोई भी जाता है तो कुछ ग्रुप है जो मुझे फ़ोन करता है तो आई सजेस्ट देम कि अब आप हंड्रेड परसेंट जाओ पर आपको मेंटल स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको नेगेटिव आने ही वाला है बर्फ़ गिर जाएगा ये हो जाएगा पर अगर आप सोचोगे ये हो गया वो सबके साथ हो रहा है सही बात है तो आपको नेगेटिवस को ओवरकम खुद ही करना पड़ेगा तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज़ में बहुत पॉजिटिव है ये भी एक चीज़ है और मुझे भी और एक चीज़ क्या लगती कि आप अगर नए लोगों के साथ कोलेबरेट कर पाओ जो प्लेटफॉर्म से अपने प्रॉप है, है है, है। जहाँ पे है। पुराने लोग भी है नए लोग भी आ रहे तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कॉलेबरेट करते हैं ठीक है कि नए लोगों को जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके साथ में बहुत सारी चीजें मिलती है एक्सपीरियंस लोगों ने भी है ना जो नए लोग हैं उनकी एनर्जी देखना चाहिए वो क्या क्या कर रहे हैं और उसमें शर्म नहीं है कि अगर भाई मेरे को न्यूज से नहीं जमता तू कैसा करता ये बता दे तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोग एक मेक से शेयर करते वहाँ पे वंडर्स होते हमने देखे तो ये 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 पॉइंट जो है ना ये

हर जगह पे बिजनेस होना वो जरूरी नहीं है मैं सोचता हूँ कि आप लर्न करने जाओ कुछ नए कॉन्टेक्ट बनेंगे आपको डायरेक्ट बिल्डर वन टू वन पहचानता है अगर आप जब क्लाइंट लेके जाओगे तो आपको वो सर्वे आपको एक अलग नज़र से देखता है कि यार ये मेरे इवेंट में भी आया था ये मेरी चीज़ों को यहाँ पे जब मैं माइक पे बोल रहा था तो बहुत अच्छी तरह समझ रहा था और ये वॉकिंग भी करा रहा है ये हार्ड वर्कर है और ये कोई सीखने के लिए पीछे नहीं हट रहा है तो अगर मुझे कोई चीज़ जैसे अभिजीत सर से मैं ऑलवेज सीखता हूँ आपसे क्यों मुझे मालूम है मुझे मालूम है कि मुझे अच्छी अच्छी चीज़ सब में अच्छी चीज़ रहती है मुझे वो उठाना है और मेरे अंदर डालना है तो ऑब्वियसली मैं आपसे बात करूंगा कुछ चीज़ें जानूंगा कुछ चीज़ें समझूंगा और और मुझे आप जब कुछ सिखाओगे या कुछ बोलोगे थोड़ा उसको चार्जेस लेने वाले हो वो तो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें मुझे साइनेस क्या है पूछूंगा मैं कि सर आप कैसे करते हो और कोई गलत नहीं बोलता जब भी किसी को हम पूछते हैं ना तो प्रॉप जब तक मैंने इतना इतना अच्छा ग्रुप है कि मैं प्रॉप के अंदर इसके लिए जुड़ा हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने मिली बहुत चीज़ें और यहाँ पे एज कट इन बारी नहीं है मैंने देखा कि जो हमसे कुछ लोग फिफ्टी प्लस है कुछ लोग फोर्टी प्लस है कुछ लोग थर्टी प्लस है पर एवरीबडी इज़ लाइक अ पंच एक सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं

मैंने बोला नहीं मैं अभिजीत जी को टाइम दिया था पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा उसके बाद घर आऊंगा तो ने? एक प्रॉमिस रहता है कि दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेसन जब मैं कुछ बोल रहा हूँ कर रहा हूँ कुछ तो अपना बिजनेस भी वैसा है अगर क्लाइंट अपना 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 बिहेवियर देखता है कि यार ये बंदा बोल रहा है एक्चुअली कर पाएगा कि नहीं पर जब आपने एक फर्स्ट स्टेप कर लिया उसको दो बार फॉलो अप लिया तो वो समझ जाता है कि मुझे फॉलो अप ले रहा है या सर्विस भी देगा तो विजुलाइज करता है तो बेस्ट चीज़ है कि आप खुश रहो बेस्ट रहो हर चीज सही होती है कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप जब नेगेटिव सोचोगे तो चालू होता है इसके लिए हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव रहो अगर ये एपिसोड से कुछ न्यू कमर्स आते हैं रियल एस्टेट में तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया मैं बहुत लोगों से सीखूँगा और भी मैं डेवलप होगा एक्चुअली और एक एपिसोड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस

ready sir don't worry thanks thanks for coming आज का दिन बहुत बढ़िया था और ये एक्चुअली लोगों you, को भी बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी इसमें से थैंक्स थैंक यू सो मच सी यू